विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। बतारीख 7 जुलाई को बीजेपी माइनॉरिटी लीडर सैयद ख्वाजा पाशा ने आंडला श्री रामलू महेश्वरम असम्बली हलके के कॉन्टेस्टेड MLA की जानिब से जलपली तालाब के पास आकर वहां का दौरा किया और अवाम से खसूसी गुजारिश की। ख़ास तौर पर तमाम सरपरस्तों से गुजारिश की कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें और उनकी हर छोटी बड़ी हरकत पर वो लोग कड़ी नज़र रखें, क्योंकि जान बहुत कीमती चीज़ है। इस तरह नौजवान लोग इस तरह तालाबों में तैराकी के लिए आकर अपनी कीमती जानें गंवा रहे हैं। सैयद ख्वाजा पाशा ने कहा कि तालाब की खूबसूरती के लिए 9 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर सिर्फ जाली लगा कर छोड़ दिया गया है, दूसरे काम नहीं किए जा रहे हैं। मुतालिका MLA व एजुकेशन मिनिस्टर को इन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तालाब के किनारे पर सिर्फ जाली लगी हुई है और बीच में काफ़ी बड़ा हिस्सा खुला हुआ है, जहां पर आकर लोग इस तरह की तैराकी करते हुए अपनी जानें खतरे में डाल रहे हैं या फिर मौत के हवाले हो रहे हैं। सैयद ख्वाजा पाशा BJP माइनॉरिटी लीडर ने NDRF टीम, पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पुलिस को जो तालाब में लोग गरखाब हो गए थे उनकी नाशें निकालने के लिए इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कड़ी कोशिश की थी, आखिरकार दोनों नौजवानों की नाशों को निकाल लिया गया था। मज़ीद इन्होंने मुतालबा किया कि वहां पर आसपास में CCTV कैमरास लगाए जाए और अगर कोई यहां पर आकर शरपसंदी अनासिर इस तरह की हरकतें करते हैं तो इन पर केसेस भी बुक करने का मुतालबा किया। मज़ीद जानते हैं ख्वाजा पाशा की ज़ुबानी। पेश है रिपोर्टर फारूक खान की Asian TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं जलपल्ली तालाब के पास जो कट्टा है वहाँ पर हूँ। परसों 7 जने आए थे, बल्कि मालूम हुआ आने के बाद 2 जने ये पानी में गरखाब हो गए। बड़ी जिद्दोजहद कर हमारे DCP साहब, ACP साहब और पूरा उनका स्टाफ, CA साहब और हमारे SI साहब पूरे मिलकर यहाँ पर खिदमत अंजाम दिए और NDRF की टीम भी आई थी और बड़ी जिद्दोजहद करके एक डेड बॉडी को निकाला गया है, फिर बाद में एक डेड बॉडी मिली है। तो मैं वो टीम को सलाम करता हूँ जो ऐसा खिदमत अंजाम देते हैं। तो 2 डेड बॉडी निकले हैं और 2 टीमें, 2 टीमें के जो खिदमत अंजाम दिए, मेरा सलाम है उनको जो इतने पानी में आकर, क्योंकि ये पानी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोगन रहता है और गणेश जब डालते हैं गणेश के टाइम पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी लॉक सिस्टम है, वो जाली खोल के डालते हैं, मगर इस तरफ जो है कुछ लोग चोर जो रहते हैं वो लोग आके जाली काट के ले गए। अभी मैं देखा तो यहाँ पर मैं DCP साहब, ACP साहब से और DH चौहान हमारे कमिश्नर साहब से अपील कर रहा हूँ कि यहाँ पे CCTV कैमरे लगना चाहिए, तो इससे क्या रहता, कोई चोरा आ रही या क्या वारदात हो रही या किसी को ढकल दे रहे या कोई मर जा रहा, ये अपने को मालूम होता। मैं अपील करता हूं पुलिस से। और यहां पर 9 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए थे 1 साल के ऊपर, जाली का काम हुआ, चलो अच्छी बात है। जब ये जाली लगी हुई थी कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। जाली कट करने के बाद कुछ बच्चे या बड़े लोग उधर जा रहे हैं, जाने से ये हादसा हो रहा। हम सविता रेड्डी मैडम एजुकेशन को ये बोलना चाह रहे हैं, आग बड़ंगपेट तालाब को आप पार्क के सिस्टम में अच्छा बना दिए, फिर मीरपेट तालाब और एक है छोटा, वहाँ पर अभी देखिए जाके आप कट्टा बना के काम चल रहा वहाँ। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि इसकी पूरी हिसारबंदी होना चाहिए और ये काम अंजाम तक पहुँचना चाहिए। देखिए, हम तनखीद नहीं कर रहे हैं आपको, अगर वो काम आप करेंगे तो कुछ लोगों की जान बचेंगी, लोग आने के लिए भी यहाँ पर वो करेंगे। और मैं सारे जितने भी हमारे सिटी के लोग हो या अपने एरिया के लोग हो, उनसे अपील करना चाह रहा हूँ, उनके माँ बाप से, उनसे लोगों से, कि अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा, आपकी जान बहुत कीमती है। अब जो मरे हैं उनको बीवी है, 2 बच्चे हैं, क्या हुआ, बच्चे यतीम हो गए, आपका सुहाग उजड़ गया। तो आप लोग जरी सी बात पर आकर अपनी जान जोखिम में डाल के मर जा रहे हैं, इससे हासिल क्या हो रहा।
मैं और एक यहाँ के नौजवान लोगों को पूरा यही बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर आएंगे तो पुलिस की जानिब से आपके ऊपर केस बुक होगा और गैर जरूरी आप पुलिस के ये झमेले में फंस के आप अपने आप पर केस बुक कर लेंगे। यहाँ आना मना है। जैसा हमारे CA शंकर साहब थे पहले, पूरे बोर्डर्स लगे थे और यहाँ पर कोई आ रहा नहीं था, तो ACP साहब भी कल बोले हैं कि यहाँ पर हम केसेस बुक करेंगे अगर कोई भी आएगा तो, और बोर्ड भी लगेंगे बोले। तो मैं अपील करना चाह रहा हूँ DCP ACP साहब से, यहाँ पे बोर्ड लगाइए, यहाँ पर आना मना है बोल के, यहीं बोल के नहीं, अतराफ जितना भी तालाब है वहाँ पर बोर्ड लगाना चाहिए। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, डेवलपिंग हो रही नहीं बोल रहे, मगर तालाब कने जब ये काम आप करें, काम करके अधूरा छोड़ दिए, यहाँ पर गेट लगाना चाहिए, वहाँ पर वॉचमैन को बिठाना चाहिए, इधर भी गेट लगाना चाहिए, तो कोई आ रहा जा रहा देखते। अभी दो बच्चे आए, हम और मीडिया वाले उनको डराते भाग गए लोग। तो मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मीडिया वालों का भी काम है कि इसको वायरल करना चाहिए और ये अपील करना चाहिए नौजवान बच्चों से तो कोई नहीं आना बोल के। तो मैं कल जितने भी लोग यहाँ पर आए थे, मेरा सलाम है उनको, जो दिन से लेकर रात तक थे, कई सियासत जमात वाले और मीडिया वाले और पुलिस और जो टीम आए थे, उनका पूरा शुक्रिया जो 24 घंटे के अंदर वो डेड बॉडी को निकाले। फिर एक बार मैं आवाम को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये पानी के ये तालाब से दूर रहिए, आप लोग इधर मत आइए, आप अगर आएंगे तो केसेस बुक होंगे आपके ऊपर। ख्वाहिशों का घर यूं ही नहीं बनता, आज की जमीन पर कल की बुनियाद रखनी पड़ती है। विश्वाक डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं आबादी से लगा हुआ वेंचर। सिरीन अर्बना एट राजापुर, तोहफा है शहर हैदराबाद की आवाम के लिए, हर आसाइश आपकी दहलीज पर, हर सहूलत आपकी पहुंच में। DTCP रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट, महफूज गेटेड कम्युनिटी, हाईवे से लगा हुआ वेंचर। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे सिक्योरिटी, 40 फीट BT रोड और मल्टीनेशनल कंपनीज के बिल्कुल करीब, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 30 मिनट की मुसाफत पर। बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट सिरीन अर्बना एट राजापुर, आगाज सुनहरे कनका, डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय विश्वाक डेवलपर्स। हेड ऑफिस एट गच्चीबोली, ब्रांच बिसाइड मंत्रा मॉल, पिलर नंबर 180, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7997996361।